दोस्तों, ये है हैदराबाद, जो कि भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी और एरिया वाइज यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये पूरा नगर दक्कन के विशाल पठार पर मुशी नदी के किनारे बसा है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 625 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वैसे तो हैदराबाद को इसकी ऐतिहासिक और रंगीन निजामी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में ये भारत के कुल बेहतरीन शहरों में गिना जाता है। यहाँ के विकास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज हैदराबाद में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए बेताब हैं। वहीं TCS, विप्रो और Amazon जैसी कई और बड़ी कंपनियां यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। हैदराबाद एक विशाल शहर है, जिसमें वाहनों के आवागमन और ट्रैफिक को कम करने के लिए इस शहर के चारों ओर 158 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड को बनाया गया है, जो कि 8 लेन चौड़ा एक वर्ल्ड क्लास रोड है। वहीं हैदराबाद अपने चार मीनार पैलेस, हुसैन सागर झील और यहाँ पर बने दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। इसका नाम रामोजी फिल्म सिटी है और ये तकरीबन 1666 एकड़ में फैला हुआ है, एवं इसका नाम साल 2019 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। यदि हम हैदराबाद के न्यूमेरिकल डेटा को देखें तो हैदराबाद भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर लगभग 70 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, जिसमें यदि हम यहाँ के सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट पर नजर डालें तो इस शहर में 83.26% लोग वेल एजुकेटेड हैं, अथवा यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 955 महिलाओं का लिंगानुपात पाया जाता है। 2023 में निकाली गई एक आंकड़े के मुताबिक हैदराबाद की टोटल पॉपुलेशन में से 64.93% लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 30.13% के साथ इस्लाम यहां का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, जो ज्यादातर ओल्ड हैदराबाद में निवास करते हैं। वहीं दोस्तों, यदि हम खान पान और यहाँ के जायके की बात करें तो निजाम काल से ये जगह अपने हैदराबादी बिरयानी के लिए फेमस है, जिसका स्वाद लेने यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। और आइए अब जरा इस शहर के सुनहरे इतिहास पर नजर डालते हैं। तो अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस शहर की स्थापना सबसे पहले सन 1512 में गोलकुंडा सल्तनत के शासक कुतुब मोहम्मद शाह ने की थी। उस समय यहाँ पर मोतियों का कारोबार किया जाता था, इसलिए आज भी इसे सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। वही आज के आधुनिक हैदराबाद का भारत में विलय 17 सितंबर 1948 को हुआ था। इससे पहले ये निजामी शासन के अधीन था। वहीं आज के दौर में हैदराबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में यहां देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है, साथ ही यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अभी हैदराबाद की एस्टिमेटेड GDP 92 बिलियन US डॉलर के आसपास है, जो कि 11.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। और आइए अब जरा हैदराबाद की ट्रांसपोर्ट सुविधाओं पर नजर डालते हैं। तो हैदराबाद एक लैंड लॉक्ड मेगा सिटी है, ट्रांसपोर्टेशन के तीनों पहलुओं से जुड़ा है, जिसमें रेल मार्ग, हवाई मार्ग और यहाँ के बेहतरीन सड़क मार्ग शामिल हैं। हैदराबाद के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सिकंदराबाद है, जो कि इस शहर का एक मेजर इंटरसिटी जंक्शन है। इस रेलवे स्टेशन में कुल 10 बड़े प्लेटफॉर्म हैं तथा इसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा मैनेज किया जाता है। हवाई मार्ग हैदराबाद शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तथा ये हैदराबाद के सिटी सेंटर से महज 22 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर स्थित है। वहीं हैदराबाद बेहतरीन रोड नेटवर्क और 71 किलोमीटर लंबी एडवांस मेट्रो रेल नेटवर्क से भी जुड़ा है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं हैदराबाद शहर के आसपास मौजूद कुल अनोखे पर्यटन स्थलों के बारे में। तो आप यहां पर चार मीनार पैलेस, बिरला मंदिर, रामोजी फिल्म सिटी, चौमोहल्ला पैलेस, गोलकुंडा फोर्ट और शहर के बीचों बीच स्थित हुसैन सागर झील की सैर कर सकते हैं।